मोहनपुर गांव का किसान भोला बहुत सीधा साधा और मेहनती था। जमीन तो उसके पास ज्यादा ना थी, लेकिन जितनी थी उसमें खूब अच्छी फसल होती थी, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। एक बार उसके गांव में एक महात्मा आए। गांव वालों ने खूब आदर सत्कार किया। महात्मा जी का रहने और खाने का प्रबंध भोला ने अपने घर में किया। भोला और उसकी पत्नी शांति ने महात्मा जी की खूब सेवा की। जब महात्मा जी गांव से जाने लगे तो उन्होंने भोला को अपने पास बुलाकर कहा, भोला मैं तुम्हें देखकर कह सकता हूँ कि तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो। तुमने अपने जीवन में आज तक कभी झूठ नहीं बोला और ना ही किसी के साथ छल कपट किया। तुम बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो। भोला, महाराज ये तो आपकी नज़र है जो मुझे इस काबिल समझती हैं। महात्मा जी, भोला मैं बैकुंठ धाम जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? भोला, महाराज अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर वो बड़े हो जाए और उनका शादी ब्याह हो जाए तो मैं आपके साथ अवश्य चलूँगा। महात्मा जी, ठीक है, मैं तुम्हें 10 साल के बाद लेने आऊँगा। भोला, जी महाराज ये तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। महात्मा जी गाँव से चले गए और समय बीतता रहा। 10 साल के बाद महात्मा जी फिर उस गांव में आए और भोला के घर में पधारे। भोला ने फिर उनकी बहुत आवभगत की। महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। जब जाने लगे तो उन्होंने भोला से कहा, भोला तुम्हें याद है तुमने पिछली बार मुझे 10 साल के बाद आने को कहा था, क्या तुम अब मेरे साथ बैकुंठ धाम चलोगे? भोला, महाराज अभी अभी तो बेटे की शादी हुई है, थोड़ा नाती पोतों को गोद में खिला लूँ तो मैं आपके साथ अवश्य चलूँगा। महात्मा जी, ठीक है भोला, मैं तुम्हें 10 साल के बाद लेने आऊँगा। तब तक तुम्हारे सांसारिक कार्य सब पूरे हो जाएंगे, तब तो तुम अवश्य चलोगे ना? भोला, महाराज मुझ पर भगवान की अति कृपा है जो आप मुझसे इतना स्नेह रखते हैं। 10 साल के बाद मैं जरूर आपके साथ बैकुंठ धाम चलना चाहूँगा। महात्मा जी वहाँ से चले गए। धीरे धीरे समय बीत गया। 10 साल के बाद महात्मा जी फिर उस गांव में आए। महात्मा जी भोला के घर के सामने रुके। उन्होंने देखा अब भोला के छोटे से घर के स्थान पर एक बड़ा सा सुंदर भवन है और द्वार पर एक कुत्ता बंधा हुआ है। महात्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कुत्ते के रूप में भोले का ही पूर्व जन्म है। महात्मा जी कुत्ते को देखकर मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, क्यों भोला अब तो चलोगे बैकुंठ धाम? कुत्ते ने पूंछ हिलाकर कहा, नहीं नहीं महात्मा जी, अब तो मैं बिल्कुल बैकुंठ धाम नहीं जा सकता, बहुत खराब जमाना आ गया है, बच्चे भी घर का ध्यान नहीं रखते हैं, जब चाहे जहाँ चाहे चले जाते हैं और मैं ही इनके घर की रखवाली करता हूँ, मेरे बच्चे बहुत नादान हैं। महात्मा जी मुस्कुराए और वहाँ से बैकुंठ धाम चले गए। बहुत पुराने समय की बात है जब पशु और उसके पालक एक दूसरे की भाषा को समझते थे और अपना दुख सुख एक दूसरे को सुनाया करते थे। गांव की महिलाएं घर का चूल्हा चौका संभालती और पुरुष खेतों में काम करते। दिन भर काम करने के बाद गांव के सारे पुरुष गांव के चबूतरे में बैठकर खूब बातें करते। बातें इतनी होती कि कभी कभी आधी रात हो जाती। कभी कभी घर के लोगों को उन्हें खाना खाने के लिए बुलाना पड़ता। ऐसे ही एक दिन गाँव का किसान गंगाराम बहुत देर तक घर न आया तो उसकी पत्नी ने बेटी मुन्नी से कहा, इतनी रात को तुम वहाँ कैसे जाओगी? यहीं से आवाज देकर अपने पिताजी को खाने के लिए बुलाओ। बेटी मुन्नी घर के आंगन की दीवार के ऊपर खड़ी होकर पिताजी को खाने के लिए आवाज देने लगी, पिताजी पिताजी जल्दी घर आओ, खाने का समय हो गया है। गंगाराम गांव के बाकी पुरुषों के साथ बातों में मस्त था। गाँव के बीचों बीच एक नहर बहती थी, उसमें रहने वाले एक भूत ने गंगाराम की आवाज निकालते हुए कहा, हाँ बेटी तुम खाना लगाओ, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए भूत बहुत खुश हुआ, आज तो मनुष्यों को खाऊंगा, कहते हुए गंगाराम के घर की ओर चल पड़ा। भूत जब गंगाराम के घर पहुँचा तो बेटी मुन्नी ने कहा, पिताजी खाना लगा दिया है और हाथ धोने के लिए लोटे में पानी बाहर रख दिया, जैसा कि वह रोज करती थी। भूत बिना पानी को छुए खाने की थाली के पास जाकर बैठ गया। बेटी ने ज्यादा ध्यान ना दिया। भूत ने जल्दी ही सारा खाना खा लिया और फिर आवाज दी, और लेकर आओ।
बेटी रसोई में से माँ से और खाना मांग कर लाई। भूत ने सारी रोटियां एक ही ग्रास में खा ली। फिर आवाज दी, और लेके आओ, तुम थोड़ा थोड़ा करके क्यों ला रही हो? बेटी, माँ आज पिताजी को जाने क्या हो गया है, वह एक साथ सारी रोटियां खा रहे हैं। मुन्नी ने माँ से कहा। माँ, हाँ मैं भी देख रही हूँ, तुम्हारे पिताजी तो इतनी रोटियां 4 दिन में भी नहीं खा सकते, फिर आज इनको क्या हो गया है? जरा मैं आके देखती हूँ, बात क्या है? दोनों माँ बेटी दरवाजे के पास गए ही थे कि लैंप की रोशनी भूत के पाँव पर पड़ी, जो कि हड्डियों के कंकाल से दिख रहे थे और उल्टे थे। भूत फिर चिल्लाया, जल्दी से रोटियां लेके आओ, बहुत भूख लगी है। गंगाराम की पत्नी ने अपने आप को संभाला और थोड़ा दूर हटके बोली, हाँ हाँ बना रही हूँ, अभी भिजवाती हूँ। भूत और खाने के इंतजार में बैठ गया। गंगाराम की पत्नी ने बेटी का हाथ पकड़ा और गौशाला की तरफ चली गई और गाय के पीछे जाकर छिप गई और गाय को समझाने लगी, देखो हमारे घर में एक भूत घुस आया है, वह हमें खाने के लिए अभी यहाँ पे आने वाला है, तुम उसे मत बताना कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। गाय ने हाँ में सर हिलाया। भूत ने देखा खाना अभी तक नहीं आया तो वह दोनों माँ बेटी को ढूंढने लगा। ढूंढते हुए गौशाला की तरफ आया और गाय से पूछा, मनुष्य कहाँ है, मनुष्य कहाँ है? गाय ने सींग से मारने के इशारे से कहा, यहाँ कोई मनुष्य नहीं है। सभी जानवर एक साथ चिल्लाए, यहाँ कोई मनुष्य नहीं है, निकलो यहाँ से, और भूत वहाँ से भाग गया। गंगाराम की पत्नी और बेटी बाहर आए और माँ ने समझाया बेटी को, आज से रात को कभी भी जोर जोर से आवाज़ नहीं देनी है। बेटी ने कांपते हुए हाँ में सर हिलाया।